दोस्तों, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और करीना कपूर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज से पहले ही सुर्खियों में बनी हुई है। मूवी को हर तरफ बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड को तूल पकड़ता देखकर आमिर खान का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। आमिर खान ने लोगों से फिल्म को देखने की अपील की है। इसके साथ ही जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की मांग उठी है, उसके बाद आमिर खान का दर्द भी छलका है। आमिर खान के बाद अब करीना कपूर खान ने भी बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड पर रिएक्शन दिया है। आपको बता दें, आमिर खान लाल सिंह चड्ढा अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी टाइम से एक्साइटेड हैं और बहुत जल्द ये फिल्म फिल्मी पर्दे पर आने भी वाली है। लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की मांग जब सोशल मीडिया पर उठने लगी तो आमिर खान का दर्द भी छलका। लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने वालों को जवाब देते हुए आमिर खान ने कहा था कि एक फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिल्म देखने के बाद आप उसे पसंद कर सकते हैं और उसे नापसंद करने का भी पूरा राइट आपके पास है। फिल्म के रिलीज से पहले इस तरह की चीजें परेशान करती हैं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं मानता हूं कुछ लोगों को लगता है कि मुझे इस मुल्क से प्यार नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं कि वो जैसा सोच रहे हैं वो सच नहीं है। मुझे प्यार है अपने देश से और यहाँ के लोगों से। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज मेरी फिल्म को बॉयकॉट ना करें और थिएटर में जाकर जरूर देखें। जिस तरीके से लाल सिंह चड्ढा को लेकर लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा है, उसको लेकर लोग करीना कपूर खान, आमिर खान और फिल्म के लोगों को भी ट्रोल कर रहे हैं। आमिर और करीना कपूर खान के पुराने बयानों की वजह से लोग लाल सिंह चड्ढा को टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि लोगों ने फिल्म को लेकर हल्ला बोल दिया है और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर बॉयकॉट करने की मांग उठी है। वहीं बात करें एक्ट्रेस करीना कपूर खान की, तो फिल्म को देखते हुए उनका भी रिएक्शन सामने आया है उन लोगों के लिए जो लोग फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में करीना कपूर खान ने कहा है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि आज हर किसी की एक आवाज है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, हर किसी का अपना विचार है, तो इसीलिए अगर ऐसा होने जा रहा है तो आपको कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखना होगा, वरना आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैं भी इसे सीरियस नहीं लेती हूँ। मैं बस वो पोस्ट करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। मेरे लिए ऐसा है कि मूवी है जो रिलीज होने जा रही है और हर किसी को अपने विचार रखने होंगे, बस इतना ही। अगर फिल्म अच्छी है तो मुझे विश्वास है कि किसी भी चीज से आगे निकल जाएगी। काफी हद तक फिल्म को लेकर लोगों के रिएक्शन अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। मुझे लगता है कि अच्छी फिल्में किसी भी चीज से आगे निकल जाएंगी। आमिर खान और करीना कपूर खान इस बात से डरे हुए हैं कि आखिर उनकी फिल्म को लेकर लोग इस तरीके से बॉयकॉट की मांग क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीना कपूर खान और आमिर खान के पुराने बयानों को निकाल कर दोनों को ही काफी टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ ही फिल्म के बॉयकॉट करने की मांग भी उठ गई है। बहुत जल्द लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने वाली है और इसी को लेकर आमिर खान और करीना कपूर खान का रिएक्शन भी सामने आया है और दोनों ने लोगों से अपील की है कि फिल्म को थिएटर में जाकर देखा जाए और प्लीज इसे बॉयकॉट ना किया जाए। आमिर और करीना के पुराने बयानों की वजह से फिल्म को ट्रोल भी किया जा रहा है। फिल्म के खिलाफ बोल रहे लोगों को आमिर और करीना ने जवाब तो दे दिया है। देखना होगा कि इन बातों का हेटर्स पर क्या असर पड़ता है। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही है और इस मूवी से आमिर खान 4 साल के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं, तो आप भी 11 अगस्त के लिए खुद को बिल्कुल फ्री रखिएगा क्योंकि आमिर खान की फिल्म फिल्मी पर्दे पर बहुत जल्द आने वाली है। आमिर खान और करीना कपूर खान की लाल सिंह चड्ढा को लेकर क्या है आपकी राय, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए।